बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन जी। तो आज हम बना रहे हैं शाम की चाय के लिए स्नैक्स जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। यह हम कुरकुरे स्नैक्स बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ लिया है चावल का आटा, 1.5 कप चावल का आटा लिया है, और हमने 1/3 कप बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, और यहाँ 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया है, और इसमें जो स्पाइसेस हम डालेंगे उसमें लिया है यहाँ चाट मसाला 1 टीस्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया हमने 1 टीस्पून, और ये जो मैगी मसाला होता है ना, जो हम मैगी खाते हैं उसमें से जो मैगी मसाला निकलता है इस तरह साशे में, ये हमने ले लिया है 1 साशे। तो चलें बनाने स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले एक बाउल में हम सब चीज़ें मिला मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये जो हमने 1.5 कप चावल काटा लिया था वो है, फिर साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 1/3 कप बेसन लिया था वो भी इसमें डाल देंगे, और साथ ही 1 टीस्पून जो हमने सॉल्ट लिया था वो भी इसमें डाल देंगे, और ये जो हमने स्पाइसेस निकाले थे ये भी सब इसमें डाल देंगे। और साथ ही डाल देंगे यहाँ बेकिंग सोडा 1 पिंच, इससे बहुत लाइट से बनते हैं ये, बहुत क्रिस्पी से। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई रखी है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। जितना यहाँ हमने चावलों का आटा लिया था उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया 1 कप और ये हो गया 1/2 कप। साथ ही यहाँ ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल जो हमने 1 टेबल स्पून निकाला था। तो यहाँ देखें पानी में बॉईल आ रहा है, अब हम इसका फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और साथ ही ये जो हमने ये सब मिला के रखा था ना चावल के आटे में, अब ये इसमें शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरह प्रेस कर करके इसको अच्छे से मिलाइए, परेशान मत होइएगा इसमें, अगर जो भी लम्स है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। आप आराम आराम से इसको मिक्स कीजिएगा। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप फ्लेम ऑफ करके भी एकदम इजी होके आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकती हैं, इस तरह प्रेस कर करके। मैंने इसे यहाँ लो फ्लेम पर रखा है और ये आराम से मिक्स हो रहा है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं जी। तो अब यहाँ पर इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये यहाँ पर काफी हद तक ठंडा हो गया है, हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें यहाँ इस तरह करके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिस तरह आटे की डो बनाते हैं ना हम रोटी के लिए, उसी तरह हम इसे भी अच्छे से मसल लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ये यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो गया है जी। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छा सा गूंद लिया है, अब हम इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए जी। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट करते हुए। चलिए ये अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसमें एक पोर्शन निकालते हैं और इसे बारीक रोटी की तरह बेल लेते हैं। इस तरह एक हमने पोर्शन ले लिया और अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेते हैं जी। तो अब इसे हम बेल लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो इसको बेलने में तो आप चावल का आटा थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा ताकि वो चिपके ना। जी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चिपक रहा था तो मैंने
हल्का सा चावल का आटा डस्ट करके इसको बेल लिया है, ये क्रैक आ रहे हैं, इससे बिल्कुल मत घबराइएगा, इसको हम ये कट कर लेंगे। पहले हम ये इसकी साइड ही निकाल देंगे। ये हम दोबारा बेल लेंगे इसको, उस साइड में रख देंगे, इसको दोबारा हम बेल लेंगे जी। तो देखें, अगर आपके पास कोई भी कटर हो या इस तरह का कोई कटर हो, आप प्लेन बनाना चाहे प्लेन बना लीजिएगा, बट मेरे पास ये कटर है, मैं इससे कट कर लेती हूँ। इससे लुक वाइज ज़रा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो देखें, इस तरह मैंने इसे बेल लिया है। अब फोक की हेल्प से हम इसके बीच बीच में इस तरह मार्क कर देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये भूले ना ज़्यादा। अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसे कट कर लेते कर लें, या आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी शेप में इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखें पहले इसे स्ट्रिप में कट कर लिया, ये तो देखें हम इस शेप में कट कर रहे हैं, कि आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी शेप में इसे कट कर लीजिए। तो इस तरह देखें हमने सारे कट कर लिए हैं, चले अब इसे फ्राई कर दें। ये तो देखें ऑयल हमारा यहाँ पर मीडियम गरम हो गया है, हमें बहुत ज्यादा तेज गरम ऑयल नहीं करना है। मैंने एक पीस डालकर देखा था और इस तरह बबल्स आए, तो इसका मतलब है मीडियम गरम हो गए। अब हम इसमें ये डालते हैं और फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, ऑयल यहाँ पर मीडियम गरम हो गया है, चलें अब इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा हमने ऑयल गरम नहीं करना है, बस इसी तरह का हो। जी तो इस तरह मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, और लाइट कलर आ जाए, गोल्डन लाइट कलर इस पे आ जाए, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। जी तो यहाँ पर देखें लाइट गोल्डन कलर आ रहा है, बस अब हमें इतना ही फ्राई करना है इसको, और मीडियम अभी भी हमारा फ्लेम बिल्कुल लो है। तरह हम दूसरा बैच डाल लेंगे इसमें। जी तो यहाँ पर हमने सब अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। चाट मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जी तो यहाँ पर बनकर रेडी हैं स्नैक्स हमारे शाम के चाय के साथ। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।